राजधानी दिल्ली में पावर को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के बीच विवाद गहराता जा रहा है। हालांकि दोनों के बीच बढ़ते विवाद को लेकर शुक्रवार को मुलाकात तो हुई, लेकिन क्या मालूम था कि इस मुलाकात के बाद विवाद खत्म होने के बजाय और बढ़ जाएगा। बता दें कि एलजी से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी पर जमकर निशाना साधा। एलजी पर संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि जब मैंने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़कर सुनाया तो उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है जिसे मैं नहीं मानता। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, किसी भी ऑफिसर को कोई भी ऑर्डर दे सकता हूँ। मैंने ये ऑर्डर अभी एलजी साहब को दिखाए, मैंने कहा सर ये देखो दो पेज, ये दो लाइन पढ़ लो आप। अब मेरे को बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि आपको कोई आदेश इंडिपेंडेंटली पास करने की वो नहीं है, आज़ादी नहीं है, तो आप कैसे पास कर रहे हो? तो एलजी साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं संविधान में लिखा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है, किसी भी विषय पे कर सकता है। मैंने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि अगर सर मुझे लगेगा कि सरकार कुछ गलत काम कहीं कर रही है तो मैं किसी को भी कोई भी आदेश दे सकता हूँ। मैंने कहा सर ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहता है इसका कोई मतलब नहीं है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी अफसर को कोई भी आदेश दे सकता है, ये मुझे पावर है। तो मैंने कहा सर कल को मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहती है कि मैं मोदी जी के काम से खुश नहीं हूँ और वो गलत काम कर रहे हैं तो वो आदेश दे सकती है? कहते नहीं वो अलग है, दिल्ली के केस में मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं सुप्रीम हूँ और मेरे को सारी पावर्स हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है, इसको मैं नहीं मानता। मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा जब उन्होंने ये कहा। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप चीफ सेक्रेटरी से सीधे फाइलें अपने पास मंगाते हैं और चीफ सेक्रेटरी को सीधे फाइलें आप नीचे भेजते हैं, सरकार जो है वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल से चलती है, ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं। मैंने उनके सामने रखे, मैंने कहा सर इसमें कहाँ लिखा है कि आप सीधे चीफ सेक्रेटरी को फाइल भेज सकते हो या उससे मंगा सकते हो? उन्होंने फिर कहा कि ये रूल्स मेरे ऊपर लागू नहीं होते, मैं किसी भी अफसर को कोई भी फाइल भेज सकता हूँ, किसी भी अफसर से कोई भी फाइल मंगा सकता हूँ, किसी भी अफसर को कोई भी डायरेक्शंस दे सकता हूँ। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, मुलाकात के बाद तल्खी और तेवर कुछ यूं थे कि भड़के केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी को एक अच्छा संविधान सलाहकार रखने की सलाह दे दी। मेरी एलजी साहब से निवेदन है कि राजनीति अपनी तरफ अपनी जगह चलती रहती है, लेकिन इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं है जो देश के और लोगों के विकास में घातक हो। और मैं फिर से उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि एक तो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल सलाहकार अपने साथ रख लें जो कि उनको एडवाइस करे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स बाइंडिंग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो सलाह नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें, जनतंत्र का सम्मान करें। हालांकि मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने जो कुछ भी कहा, एलजी हाउस की तरफ से सभी बातों और दावों को झूठा बताते हुए ये कह दिया गया कि सीएम केजरीवाल ने अपनी राजनीति को सूट करते हुए ऐसा बयान दिया है। तो कुल मिलाकर आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच रिश्ते किस हद तक खराब हो गए हैं। ऐसे में दिल्ली और दिल्ली वालों का तो बस भगवान ही मालिक है। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक।